सर्वप्रथम गुरुजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, जय सियाराम। सीताराम। गुरुजी, मेरा एक सुझाव और एक प्रश्न भी जो मेरे मन में शंका काफ़ी दिनों से है। गुरुजी, मैं एक ऐसी कॉलोनी में रहता हूँ जहाँ से प्रतिदिन मेरे घर के सामने से छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे डेली निकलते हैं जो एक पाठशाला का बैग टांगे हुए एक जगह पढ़ने जाते हैं। वो विभिन्न धर्मों के होते हैं, कई सारे पंथों के होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरुजी, मैं जहाँ अभी रामचरितमानस की भी बात हुई, श्रीमद् भगवद गीता की भी बात हुई, गुरुकुल की भी बात यहाँ पे पूजनीय पंडित जी के द्वारा कही गई, मैं गुरुजी एक छोटा सा सुझाव आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ कि गुरुजी क्यों ना हम सभी जो हमारे मंदिर हैं, हमारे जो मंदिर हैं वहीं पर एक छोटी सी पाठशाला खोलकर एक आधे घंटे की या प्रतिदिन 1 घंटे की छोटे छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं। ताली बजाओ, पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ गया, जोरदार बजाओ। गुरुजी, उन्हीं के द्वारा हम जो एक बीज की बात करते हैं, वहीं से यदि हम छोटे छोटे बच्चों को प्रतिदिन शिक्षा के साथ, जो सामान्य शिक्षा हमारी चलती है उसी के साथ, यदि आधे घंटे भी अगर उनको श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस का पाठ कराएं। और गुरुजी, बहुत सारे बच्चों को केवल आज अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों को केवल यही पता होता है कि हिंदू धर्म के नाम पर केवल 2 चीज़ें हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भगवद गीता। आज 90% बच्चों को ये पता नहीं है कि हिंदू धर्म में 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण और 108 उपनिषद हैं, जिनमें अथाह ज्ञान हमारे सनातन धर्म का उपस्थित है, जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका जो निशाना, हम भी आपके साथ हैं और स्वागत करेंगे इस बात का कि भारत के प्रत्येक मंदिर के पुजारी 30 मिनट अगर ये मेहनत प्रारंभ कर दें तो भारत में संस्कृति और हिंदू धर्म सुरक्षित हो जाएगा। हम आपके सपोर्ट में, जोरदार ताली बजाओ इस बालक के लिए। गुरुजी, बहुत बहुत और इस वीडियो को पूरे भारत के जितने भी पुजारी हैं उनके चरणों में नाक रगड़कर हमारा प्रणाम स्वीकार हो। और इस बालक की बात पर हम पुरजोर समर्थन करते हैं कि अगर भारत के मंदिरों में ये प्रारंभ हो जाए तो बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो जाएगी। बोलिए जय श्री राम, बागेश्वर धाम की। आपका क्या कहना है इस पर वकील साहब, आपका क्या कहना है ये जो बालक ने कहा है? जो महाराज जी अभी जो प्रश्न और जो सुझाव भैया ने दिया है उससे हम पूर्णतः सहमत हैं। ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है? और उसमें हम वैसे जैन सिद्धांत में, जैन मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है, शाम के समय पाठशाला की व्यवस्था पूर्व से ही चली आ रही है जैन धर्म में। हाँ, इसको अनुकरण करना चाहिए, अगर सनातन धर्म में इसका अनुकरण करते हैं तो अच्छा होगा। बिल्कुल। कोई पुजारी है मंदिर के यहाँ पर? जी पुजारी जी, प्रणाम कर रहे हैं हम चरणों में। जय श्री राम। कौन से मंदिर में हैं आप? जय जय श्री राम। जय श्री राम। कौन सा मंदिर है आपका? हमारा पीताम्बर दुवे जी नाम है, हम बड़े लिधौरा के हैं, थाने के पीछे हमारा हनुमान पट्टा मंदिर है। हम वहाँ पर पूजा करते हैं। हमको कभी कभी मंदिर जब हम खोलते हैं वहाँ पर हमको बहुत अच्छी खुशबू आती है और हम किसी को भभूति भी दे देते हैं वहाँ की, तो कई लोगों को आराम हो जाता है, मगर हमारे घर नहीं लगती है वो भभूति। ये क्या कारण है? जय हो बजरंगबली की, बोलो शंकर भगवान की जय, पुजारी जी सरकार की जय। पुजारी जी, एक बालक ने अभी सुझाव दिया है कि अगर मंदिरों में पूजा के साथ साथ 30 मिनट के लिए छोटे छोटे बच्चों को, अगर मोहल्ला के बच्चों को, गांव के बच्चों को रामायण का पाठ करवाएं, संस्कृति के बारे में सिखाएं, तो क्या ये हो सकता है? हाँ, हो जाएगा महाराज जी। आप कब से शुरू करेंगे? हम अपने मंदिर में कर देंगे इसी मंगलवार से। ताली बजाइए। आप भी पुजारी हैं, इनको भी, ये युवान है, इनको भी माइक दीजिएगा। पुजारी जी, हम प्रणाम कर रहे हैं, आप बैठ जाएं। ये अच्छा सुझाव है। पत्रकार महोदय, कैसा सुझाव ये? बोलो बागेश्वर सरकार की जय। जय हो आपकी। पुजारी जी, 1 मिनट। गुरुदेव भगवान, जो हमारे छोटे भाई ने सुझाव दिया है संस्कृति बचाने के लिए, बहुत ही अच्छा सुझाव है। क्योंकि कई धर्मों में इस तरह की परंपराएं जैन धर्म में है, सिख धर्म में है, पहले अपने सनातन धर्म में भी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में बंद है। लेकिन बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुजारी जी कहाँ? महाराज जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। हमारा ग्राम बैतपुर है, बैतपुर से हम पुजारी हैं। बैतपुर हनुमान जी? हाँ महाराज जी, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। आपने आज तक ऐसा विचार किया कि ये भी हो सकता है सनातन धर्म के लिए? महाराज जी हम विचार बहुत कुछ करते हैं और ये सही विचार है, पर इसके लिए पुजारी भी तो सही होना चाहिए मंदिर में। ये भी बहुत अच्छा विषय। जब तक हमारे मंदिरों में सही पुजारी नहीं होंगे तो वहाँ कैसे व्यवस्थाएं बन पाएंगी? जी बहुत अच्छा है। और पुजारी कैसे सही होंगे? पहले हम जो लोग हैं हमें अपने अंदर भी तो उस चीज़ को उतारना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए पैंट शर्ट में, जीन्स पैंट में, तो जीन्स पैंट में तो पुजारी होते नहीं। पुजारी जी आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये आप शुरू कर सकते हैं। कब से शुरू करेंगे आप? कब से? महाराज जी हम तो ये चाहते हैं कि नित्य होए और हमें प्रयास भी करते हैं महाराज जी। जब भी जैसे गांव में ज़्यादा नहीं जा पाते, पर जब जाते हैं तो सबको अच्छी शिक्षा देते हैं और सबसे प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार करें और उसके विषय में बोलें। ताली बजा करके आपका साधुवाद महाराज जी के चरणों में। सनातन धर्म की